Hello children, today we will study our lesson number 7, we all work at home. Hum sab ghar pe kaam karte hain. So now I'm going to read it and I'll explain it in Hindi too. Raju and Rani have a small family. Raju aur Rani ke ek chota sa parivar hai. Their father works in a factory. Unke papa factory mein kaam karte hain. Their mother teaches in a school. Unki mummy स्कूल में पढ़ाती हैं. टुगेदर दे डू ऑल द वर्क इन द हाउस. और साथ मिलके वे इस घर का सारा काम करते हैं. देयर मदर कुक्स फूड. उनकी मम्मी खाना बनाती हैं. देयर फादर हेल्प्स हर. और उनके पापा उनकी मम्मी की मदद करते हैं. हर जो है यहाँ पर उनकी मम्मी के लिए आया है. राजू एंड रानी हेल्प देयर पेरेंट्स टू ले द टेबल. राजू और रानी अपने माता पिता की हेल्प करते हैं टेबल लगाने में. जो खाने के देख रहे हैं फोटो में टेबल लगा रहे हैं राजू रानी. देयर मदर वॉशेस क्लोथ्स. उनकी मम्मी कपड़े धोती है. आप फोटो में देख सकते हैं नीचे वाली. देयर फादर आयंस द क्लोथ्स. उनके पापा जो हैं कपड़े प्रेस करते हैं. राजू रानी कीप द क्लोथ्स इन द कबर्ड्स. और राजू रानी जो हैं उन कपड़ों को अलमारी में रखते. कबर्ड्स कहते हैं अलमारी को. सी द नेक्स्ट पेज. राजू एंड रानी हेल्प देयर पेरेंट्स टू क्लीन अप द हाउस. राजू और रानी अपने माता पिता की मदद करते हैं घर को साफ करने के लिए. दे ऑल्सो कीप देयर रूम नीट एंड टाइडी. और वे अपना भी कमरा जो है बहुत साफ और व्यवस्थित रखते हैं. राजू एंड रानी पेरेंट्स हेल्प इन देयर स्टडीज़. राजू और रानी के मम्मी पापा उनको राजू रानी को पढ़ाई में मदद करते हैं. दे लुक आफ्टर देम वेन दे आर नॉट वेल. और वे उनकी देखभाल करते हैं जब उन लोगों की राजू रानी की तबीयत नहीं ठीक होती है. देख रहे हैं ना फोटो में उनके पापा देखभाल कर रहे हैं उनकी मम्मी पढ़ा रही हैं. राजू एंड रानी हैव ए स्मॉल एंड हैप्पी फैमिली. राजू और रानी के बहुत छोटा सा और बहुत खुश परिवार है. नाउ सी द एक्सरसाइजेस चिल्ड्रन. आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट योर फैमिली. अब आपको आपकी फैमिली में जो जो कुछ करता होगा उसके बारे में लिखना है. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, आप ये भी लिख सकते हैं. हु कुक्स फूड. घर पर खाना आपके कौन बनाता है. जैसे मेरे घर पर मम्मी बनाती है तो मैंने लिखा माई मदर. हु कट्स द वेजिटेबल्स. सब्जियाँ कौन काटता है. आपको आपके घर में जो काटता है उसका नाम वो रिलेशनशिप लिखनी है आपकी. हु लेज द टेबल. घर पे टेबल कौन लगाता है खाने की. हु वॉशेज द क्लोथ्स. कपड़े कौन धोता है. टर्न द पेज. हु आयंस द क्लोथ्स. कपड़े कौन साफ करता है. सॉरी कपड़े कौन प्रेस करता है. Who helps you in doing your homework? आपका homework जो मिलता है स्कूल से उसको पूरा कराने में कौन मदद करता है. तो आपको सबके रिलेशन लिखने हैं. आपको राइट डाउन टू थिंग्स दैट योर पेरेंट्स डू फॉर यू. ऐसी दो चीज़ें लिखनी है जो आपके पेरेंट्स आपके लिए करते हैं. हालांकि वो बहुत सारे काम करते हैं आपके लिए, सब कुछ करते हैं, लेकिन सिर्फ दो बातें यहाँ पर लिखनी है. तो नंबर वन, माई पेरेंट्स हेल्प अस इन आवर स्टडीज़. मेरे पेरेंट्स जो हैं मामी पापा मुझको मेरी पढ़ाई में मदद करते हैं. दे लुक आफ्टर अस वेन वी आर नॉट वेल. वे हमारी देखभाल करते हैं जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती. क्वेश्चन थ्री, राइट डाउन टू वेज इन विच यू हेल्प योर पेरेंट्स. आपको दो तरीके लिखे हैं जिस तरह से आप अपने मम्मी पापा की मदद करते हैं. तो वी हेल्प अवर पेरेंट्स टू क्लीन अप द हाउस. हम अपने मम्मी पापा की मदद करते हैं घर को साफ करवाने में. वी कीप द क्लोथ्स इन द कबर्ड. और हम कपड़े जो हैं घर अलमारियों में लगाते हैं. नंबर फोर, राइट डाउन टू फन थिंग्स दैट यू लाइक डूइंग विद योर फैमिली. आपको दो ऐसी मज़ेदार चीज़ें लिखनी जो आपको बहुत मज़ा आता हो अपनी फैमिली के साथ करने में. आई लाइक टू प्ले लूडो विद माई फैमिली. हमें अपनी फैमिली के संग लूडो खेलने में अच्छा लगता है. आई लाइक टू गिव वाटर टू द प्लांट्स विद माई पेरेंट्स. और मुझे अपने मम्मी पापा के संग जब वो पेड़ों पे पानी देते हैं तो उनके संग पौधों को पानी देना अच्छा लगता है. क्वेश्चन फाइव, ए हु इज़ द ओल्डेस्ट इन योर फैमिली. यहाँ पर आपको आपकी फैमिली में जो सबसे बड़ा है उनका नाम लिखना, उनका रिलेशन लिखना और उनकी एज लिखनी है. हु इज़ द यंगेस्ट इन योर फैमिली. और जो फैमिली में सबसे छोटा है वो उसको बारे में लिखना है और उसकी एज लिखनी है. सो आई होप दिस लेसन विल बी क्लियर टू यू. थैंक यू.